सोमवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 274 केंद्रों पर कुल 31,869 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 6,875 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 24,994 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जनपद में अब तक 36,47,000 से ज्यादा लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाएं तथा जो महिलाएं अपने बच्चों को अपना दूध पिला रही हैं, इन दोनों महिलाओं के लिए कोरोना का वैक्सीनेशन बहुत ही जरूरी है। वे अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल अथवा जिला अस्पताल जाकर वैक्सीनेशन करा लें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, आज हमारे जनपद में 274 जगहों पर टीकाकरण चल रहा है। अभी तक हमने 36,47,000 से ज़्यादा डोजेज लगवा चुके हैं, उसमें से 24,43,000 पहला डोज है और 12,04,000 से ऊपर दूसरा डोज है। अभी भी हमारे जनपद में 9,00,000 लोग बचे हैं जो पहला डोज अभी नहीं लगाए हैं। हमें उनसे अपील है कि जल्द से जल्द अपना पहला डोज कंप्लीट कर लें। कोरोना को एक लगाने का एकमात्र और उससे बचने का एकमात्र तरीका है वैक्सीनेशन का। और बहुत सारे लोग सेकेंड डोज से 2,500,000 के आसपास सेकेंड डोज जिनका ओवर ड्यू हो गया है वो लोगों ने लगवाया है, तो उन लोगों से हमारी अपील है कि हमारे सभी अस्पतालों में, गवर्नमेंट अस्पतालों में निःशुल्क कोविड वैक्सीनेशन चल रहा है और अभी बहुत अच्छी आसानी से आराम से लग रहा है। वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, लोग आएँ और अपना वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी करा लें। ये कहना है कि गर्भवती महिलाएं और जो बच्चे को लैक्टेटिंग मदर्स जो बच्चे को दूध पिला रही हैं, इन दोनों लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन बिल्कुल ही सुरक्षित है। और अच्छा है कि अगर ये लोग वैक्सीनेशन करा लेंगे तो पेट में जो बच्चा है और दूध पीता हुआ बच्चा, उसमें भी एक तरह की इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है जो कोरोना से लड़ने की क्षमता देती है। तो हमारी सभी बहनों और माताओं से अपील है कि जो लोग भी गर्भवती हैं या बच्चे को दूध पिला रही हैं, सब लोग अपने सरकारी अस्पतालों में जाकर अपना वैक्सीनेशन करा लें और अपने को और अपने बच्चे को सुरक्षित कर लें।